आज हम बनाएंगे चटपटे और मसालेदार बैंगन की। जो लोग बैंगन नहीं भी खाते वो भी आपसे मांग मांग कर खाएंगे। लेकिन आपको मैं एक सीक्रेट ट्रिक भी बताऊंगी जिसके साथ आपके बैंगन बहुत ही टेस्टी और मसालेदार और चटपटे से बनेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। सबसे पहले मैंने बैंगन लिए हैं। बैंगन आपको छोटे वाले बैंगन लेने, बड़े वाले बैंगन का इस्तेमाल नहीं करना। इसे अच्छे से वॉश कर लेना है ताकि इस पर धूल मिट्टी हो तो वो भी साफ हो जाए। और इसे इसकी डंडल थोड़ी सी काट लेनी है और इसमें 2 कट आपको लगा देने हैं और सारे बैंगन आपको ऐसे ही कट करने हैं। अब आपको किसी भी बर्तन में पानी लेना है, उसमें थोड़ा सा नमक डाल देना और उसमें सारे बैंगन भिगोकर रख देने ताकि आपके बैंगन काले ना पड़े। अब इसके बाद बैंगन को अच्छी तरह साफ करके इसमें से निकाल लेना। जब भी आपने बनाने हो तब तक आपके बैंगन जो है बिल्कुल भी काले नहीं पड़ेंगे। अब मैंने पैन में थोड़ा सा तेल डाला है, तेल को गर्म करके इसमें बैंगन को डाल दिए ताकि हम जो है बैंगन अच्छे से पका लें। लेकिन बैंगन पकाते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना है कि बैंगन को बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं करना है। 80% आपको सिर्फ इसे कुक करना है बैंगन को। जब हमारे बैंगन सॉफ्ट हो जाएं तो हमारे जो है बैंगन उसको पैन में से निकाल लेना, लेकिन इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देना ताकि बैंगन का जो कड़वापन होता है वो चला जाए। तो इसे जो है ढककर हम पकाएंगे जब तक हमारे बैंगन सॉफ्ट ना हो जाए। अब हम अपने बैंगन चेक करते हैं कि हमारे बैंगन सॉफ्ट हुए हैं या नहीं हुए। जब तक हमारे बैंगन पूरे सॉफ्ट ना हो जाए तब तक हमें इसे पकाना है। तो हमारे बैंगन जो है काफ़ी सॉफ्ट लग रहे हैं। 80% इसे मैंने कुक कर लिया। उसी पैन में मैंने 1 चम्मच तेल ऐड कर दिया है और इसमें थोड़ा सा हमें जीरा डालना है। जीरे को अच्छे से भूनने के बाद इसमें हम डालेंगे प्याज। प्याज मैंने 2 बड़े प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया है। इसे अच्छे से हमें गोल्डन ब्राउन होने तक इसे पकाना है। और हमारे प्याज जो है थोड़े ही टाइम में गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसमें थोड़े से टमाटर ऐड करने हैं। टमाटर भी 2 टमाटर मैंने लिए हैं, उसे भी बारीक चॉप करके इसमें डाल दिया है। मैं तब तक इसे टमाटर को पकाना है जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। अब जो मैंने आपको ट्रिक बतानी थी वो ट्रिक का टाइम आ चुका है। मैंने लिया है मिक्सर ग्राइंडर। मिक्सर ग्राइंडर में मैंने धनिया पत्ती डाली है थोड़ी सी, थोड़ी सी मैंने डेसिकेटेड कोकोनट, थोड़ी सी मूंगफली डाली है और थोड़ी से मैंने जिंजर और गार्लिक डाला है। और इसमें डालेंगे हरी मिर्ची और इस सब का एक पेस्ट बना लेना है। थोड़ा सा पानी ऐड करके आपको इसका ऐसा फाइन पेस्ट बना लेना है। इसका हम क्या करेंगे ये भी मैं आपको बताती हूँ। तड़का हमारा लगभग हमारा तैयार हो ही चुका है और जो हमने मिक्सर ग्राइंडर में पेस्ट बनाया है उसको इसमें ऐड कर लेना है। और इसके साथ आपके जो बैंगन है बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही चटपटे बैंगन बनेंगे। कोई भी पहचान नहीं पाएगा कि आपने इन फ्लेवर्स के साथ जो है बैंगन बनाए हैं। अब इसमें सूखे मसाले ऐड कर देंगे, नमक, हल्दी और देगी मिर्च पाउडर और इसमें धनिए का पाउडर मिलाकर इन मसालों को अच्छी तरह पका लेना है इसके साथ। और थोड़ा सा पानी जो मिक्सर ग्राइंडर में मैंने इसमें पानी डालकर उसे साफ कर लिया और वही पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया और उसे अच्छी तरह पकाना है। अब हम इसे ढककर अच्छी तरह पकाएंगे मसालों को जब तक ये ऑयल रिलीज ना कर जाए। तो हमारा मसाला जो है लगभग बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा पानी और ऐड करेंगे ताकि हम जो बैंगन बना रहे हैं उसकी ग्रेवी जो है काफ़ी अच्छी बने और बैंगन के अंदर जो मसाले हैं जो काफ़ी अच्छी तरह से मिल जाए। तो अब इसमें बैंगन भी आपको ऐड कर देनी है और बैंगन ऐड करने के बाद आपको इसको 5 से 10 मिनट पकाना है ताकि हमारे जो है बैंगन काफ़ी सॉफ्ट हो जाए और उसे बीच बीच में हिलाते भी रहना है क्योंकि हमारे मसाले और बैंगन अच्छी तरह से मिल जाएंगे और हमारी चटपटी सी मसालेदार रेसिपी तैयार है। वीडियो को एक लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। बाय बाय।